जो लक्ष्य में खो गया, अरे जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। जी हाँ दोस्तों, आपने कोई टारगेट रखा, उस टारगेट के पीछे आपने दिन रात एक कर रखा है, यानी कि आपको सिर्फ अपना टारगेट 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 दिखाई देता है, वही इंसान क्या करता है, सफल होता है। इसी मोटिवेशन के साथ मैं रितु स्वागत करती हूँ आपका बेटा रीजनिंग की क्लास में यदुवंशी सक्सेस पॉइंट प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम बात करेंगे SSC GD 2022-23 के बेटा क्या 2022-23 के उन क्वेश्चनों के बारे में जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं। अब तक के प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे के एग्जाम में आपको फिर से इन क्वेश्चनों को देखने को मिलने वाला है। आपका बेटा टारगेट रहेगा यहां पर 25 में से 25 का, और यदि आपके अंदर सच्चा जुनून है फौजी बनने का तो प्रतिदिन सुबह 11 बजे और शाम को 9:30 बजे, प्रतिदिन सुबह 11 बजे शाम को 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9518151414, जिस पर आप अपना नंबर लिखकर भेज देंगे। सुबह 4:45 पर रहेगी करंट अफेयर की क्लास, हिंदी की क्लास 9 बजे, शाम को 7:40 पर रहेगी आपकी लूशन जी की क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, वक्त पर क्लास में पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन सेशन को। अपने हौसले और जज्बे को बुलंद रखें और आखिर तक क्लास को अटेंड करें। सभी क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चले। आपको फ्रेंड्स यहां पर क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया है, उस ट्रायंगल के अंदर छोटी छोटी और भी ट्रायंगल बना दी और आपको बताना है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर प्रेजेंट इन दिस फिगर, या निम्नलिखित आरेख में त्रिभुजों की संख्या कितनी है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर फ्रेंड्स आप ध्यान से जिस प्रकार से देख पा रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 और एक भार वाली 14। हमें 14 ट्राइंगल तो आपकी साफ साफ दिखाई दे रही है कि 14 ट्राइंगल तो बन गई, लेकिन अभी ट्राइंगल और भी बची है। अब कौन सी ट्राइंगल बच गई, एक ट्राइंगल बेटा ये वाली 15, एक ट्राइंगल ये वाली 16 और एक ट्राइंगल ये नीचे की तरफ 17। आपकी फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी है, 17 ट्राइंगल है। कितनी ट्राइंगल है, 17 ट्राइंगल है जो इस आपके फिगर के अंदर प्रेजेंट है। सभी बच्चे देख लीजिएगा। आपके फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस हर बार एग्जाम के अंदर आते हैं, तो जब भी आपके ट्राइंगल काउंटिंग के क्वेश्चंस कराए जाएं तो उनको ध्यान से समझा करें और उसके ऊपर थोड़ा सा अपने आप भी प्रैक्टिस किया करें, ताकि बेटा वो क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, चार आकृतियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं, लेकिन चारों आकृति आपके रेशियो और प्रोपोर्शन के अंदर है, ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात आती है कि यहाँ पर जो नियम आपका लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा, वही नियम आपको फिर राइट हैंड साइड में लगाना है, क्योंकि बीच में आपका एनालॉगी यहाँ पर क्या रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगा, राइट हैंड साइड के बराबर, मतलब सेम नियम लगेंगे। अब देखिएगा बेटा यहाँ पर ये जो जेड है आपका बेटा, ये जो फिगर है ये किधर है, लेफ्ट में, ये आपका इधर किस में आ गया, राइट में आ गया, मतलब कि एक तरह से क्या बना आपका फ्रेंड्स, मिरर इमेज बना। सेम उसी प्रकार से ये आपका लेफ्ट में है तो मतलब इसमें किस में आएगा, राइट में आएगा, ना इस ऑप्शन में राइट में, ना इस ऑप्शन में राइट में, दो ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे कट गए। इसके बाद में बेटा ये जो आपकी षटकोण दी है या षटभुज दी है तो वो आपकी किस में आएगी, राइट हैंड साइड में, तो इधर लेफ्ट हैंड में आएगी, लेकिन यहाँ पर जेड दिया गया इसलिए भी गलत हो गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर दो जो आकृतियां आपको इस बॉक्स के अंदर दी गई थी, उन दोनों आकृतियों ने क्या करवा दिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कार्य कर दिया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको दिया 5, 5 के बाद में 10, 10 के बाद में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद में आपका 50, 50 के बाद में आपको दे दिया 122। आपका बेटा यहाँ पर स्नातक बेस पर 2015 के अंदर टायर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, आपका SSC के ग्रेजुएशन में 2000 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अब के अभी जो एग्जाम्स हुए थे उनके अंदर भी पूछा गया था, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका बेटा 5 कैसे आया होगा, 5 मैडम ऐसे आया होगा यदि मैं 2 का स्केयर करके उसमें 1 प्लस कर दूं, यानी कि 2 का स्केयर 4, 4 में 1 प्लस किया तो आपका टोटल बन गया 5, ठीक है, 2 का स्केयर हो गया 4, 4 में 1 प्लस किया तो आपका 5 हो गया। आगे चलिएगा, 3 का स्केयर किया तो 9, 9 में 1 प्लस किया तो आपका फ्रेंड्स कितना हो गया, 10 हो गया, 3 का स्केयर 9, 9 में 1 प्लस किया तो 10 हो गया। इसके बाद में 50 कैसे आया होगा बेटा, 7 का स्केयर 49, 49 में 1 प्लस किया तो 50 हो गया। यहाँ पर बेटा 122 कैसे आया, 11 का स्केयर होता है आपका 121, 121 में 1 प्लस किया तो 122। अब दिखा क्या, क्वेश्चन मार्क को तो तब निकालेंगे ना तब जब यहाँ पर हमें रूल का पता चले। आपको 2 दिखा, 3 दिखा, 7 दिखा, 11, मतलब सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है, सारे के सारे ये क्या है, प्राइम नंबर है, मतलब यहाँ पर जो संख्या जिसका स्केयर बनेगा वो भी आपकी क्या होगी, प्राइम नंबर होगा। आपका बेटा 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में अगला जो प्राइम नंबर होता है वो कौन सा होता है, 5 होता है। 5 का स्केयर कितना होता है, 25, 25 में आपने 1 प्लस किया तो आपका फ्रेंड्स कितना बन गया, 26।
कितना बन गया? 26 बन गया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 26 राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आपका बेटा फॉर्मूला क्या बना? एन स्क्वेयर प्लस में वन, और ये एन स्क्वेयर प्लस में वन का जो ये फॉर्मूला है आपका फ्रेंड्स, यहां पर चाहे आप सीरीज का क्वेश्चन कर ले, चाहे एनालॉगी का क्वेश्चन कर ले, चाहे क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन कर ले, चाहे लुप्त संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन कर ले, हर में आपका ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कार्ट शब्द दिया गया जिसके रेशो में दिया 8, सेम उसी प्रकार से 4 के रेशो में क्या आएगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर फ्रेंड्स पहले जो शब्द है यहां पर सी है, सी को नेगलेक्ट कर दिया, 3 पीछे के अक्षर ले लिया तो 8 बन गया। उसी प्रकार से एफ को नेगलेक्ट करेंगे तो आपका बन जाएगा अवर, अवर का मतलब होता है हमारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट में आपको दिया रोम, इसको लिखा क्यू एन एल डी। आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला दिया क्या? मोर। आपसे पूछ लिया कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, तो देखिएगा फ्रेंड्स आर, आर के बाद में ओ, ओ के बाद में एम, एम के बाद में ई, इसको बना दिया आपका बेटा क्यू, क्यू के बाद में एन, एन के बाद में एल, एल के बाद में आपका डी हो गया। ठीक है, आर ओ एम ई नीचे हो गया क्यू एन एल डी। आपको फ्रेंड्स बताना है यहाँ पर देखिएगा आर कितने पर आता है? 18 नंबर पर। ओ कितने पर आता है? 15 नंबर पर। एम 13 नंबर पर। ई आपका 5 नंबर पर। ठीक है, क्या हुआ आपका? 17 नंबर पर। एन 14 नंबर पर। एल 12 नंबर पर। डी आपका बेटा कितने पर हो गया? 4 नंबर पर। ठीक है, आप सबसे पहले अल्फाबेटिक क्वेश्चनों का क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने से ये मान के चलिए आपका बेटा ये 90% जो क्वेश्चन है वो क्लियर, यहाँ पर क्या हो जाता है उसका क्लियर हो जाता है। हमें तरीका है, मेथड पता चल जाता है कि किस नियम के आधार पर आपके क्वेश्चन का आंसर निकाला गया है। 18 में से एक गया तो 17, 15 में से एक गया 14, 13 में से एक गया 12, 5 में से एक गया तो आपका फ्रेंड्स हो गया 4। मतलब कि -1, -1, -1, -1 सभी में हुआ। सेम उसी प्रकार से मोर में कीजिए, एम ओ आर ई, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो गया? 13, इसके बाद में ओ 15 पर, आर आपका 18 पर, ई आपका 5 पर। यहाँ पर बेटा 13 में से जब आपका एक जाएगा तो क्या बच गया? एल 12, 15 में से एक गया 14 पर, एन हो गया आपका फ्रेंड्स आर 18 पर आता, 18 में से एक गया तो आपका बेटा 17, 17 पर क्यों आ गया? 5 में से एक गया 4, 4 पर आपका डी आ गया। है तो यही, है तो आपका यही। या तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर लें, या फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका मैडम ये है कि आपका बेटा 1, 2, 3, 4, यहाँ पर फ्रेंड्स आपका 3, 2, इसके बाद में 1 और 4, सेम इसके अंदर करेंगे 1, 2, 3, 4। आपका बेटा 3 पर कौन है? एल है। 2 पर कौन है? एन है। 1 पर कौन है? क्यू है। और 4 पर कौन है? डी है। चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप बेटा यहाँ पर क्या है उन यहाँ पर डिफरेंस वाले अकॉर्डिंग निकालो तो डिफरेंस के अकॉर्डिंग निकालो, या सीधा आप नंबरिंग करके उन्हीं को क्या करें उनकी प्लेस जो चेंज की गई है उसके अकॉर्डिंग लगा दे। दोनों तरीके से आपका आंसर कितना ही आएगा आपका फ्रेंड्स एल एन क्यू डी, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 ही आएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको दिया 90, 90 के बाद में 36, 36 के बाद में 18। नेक्स्ट में आपको दिया बेटा 13, 13 के बाद में 26, 26 के बाद में 65। क्वेश्चन मार्क आपका बेटा 75 और 15। आपको फ्रेंड्स बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। और जो बच्चे आज सेशन में पहली बार आए उन्हें बता दे बेटा सुबह 4:45 पर रहेगी आपकी करंट अफेयर की क्लास आपके लिए बेटा, सुबह 11 बजे, शाम को 9:30 बजे रहेगी रीजनिंग की क्लास, और सभी बच्चे शाम को 7:40 पर लूसेंट जीके की क्लास में भाई पहले क्वेश्चन पर जुड़ा करें। आप लोगों के जीके जीएस के सभी क्वेश्चन हैं जो शाम को आपके फ्रेंड्स यहाँ पर 7:40 की लूसेंट जीके की क्लास में करवाए जाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर पहला हमने बॉक्स देखा कि 18 को जब बेटा मैंने 2 से गुणा किया, 18 दूनी कितना हो गया? 36। और आपका फ्रेंड्स 18 को जब 5 से गुणा किया, 18 पंजे 90, मतलब कि यहाँ पर एक संख्या है जिसकी एक बार गुणा किसके साथ करवाई है? 2 के साथ, और दूसरी बार उसकी गुणा किसके साथ करवा रखी है? आपके बेटा यहाँ पर 5 के साथ। ठीक है, सेम अगले में चलिएगा, आपका 13 को 2 से गुणा किया तो 13 दूनी 26, और 13 को जब 5 से गुणा किया 13 पंजे 65। आपका बेटा 15 को 2 से गुणा करवाएंगे तो 15 दूनी 30, और 15 को जब 5 से गुणा किया 15 पाँच 75, यानी कि फ्रेंड्स आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 30 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फ्रेंड्स क्या दिया, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको तीन आकृतियां तो कंप्लीट कर रखी हैं, एक आकृति आपकी नहीं दी गई है, उसी आकृति को आपने ढूंढ के फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो आकृतियां आपके सामने, इनके अंदर से आपको राइट आकृति निकालनी है जो यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर सेटिस्फाई करती हो। आपने पहले देखा बेटा एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल है, दूसरे में क्या हुआ आपकी फ्रेंड्स दो ट्राइंगल हैं जो साइड में इसकी दोनों भुजाओं पर लगी, ठीक है। इसी प्रकार से ये सर्कल है, सर्कल के अंदर आपकी क्या है ट्राइंगल है, और सेम वैसे ही यहां पर होगा बेटा एक सर्कल होगा, सर्कल के साथ जो ट्राइंगल है वो इस साइड में इस फेस के अंदर लग जाएंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहां पर ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन वो आपकी राइट हैंड साइड में थी, ये दोनों आपकी अपोजिट होगी, ये दोनों आपकी ऊपर नीचे होगी, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जो इसको सेटिस्फाई करता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में आपको दिया बेटा आई जे एल रेशियो में आपका बना दिया एम एन ए एम एन पी, आपसे पूछ लिया कि इसके साथ में अगला जो यहाँ पर प्रपोर्शन में कौन सा ऑप्शन है जो लगाएं, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा आपका फ्रेंड्स आई, आई के बाद में है जे, जे के बाद में एल, ठीक है, पर यहाँ पर रेशियो में एम, एम के बाद में एन, एन के बाद में आपका फ्रेंड्स पी, ये आपका 9 नंबर पर, ये 10 नंबर पर, ये आपका 12 नंबर पर, यहाँ पर फ्रेंड्स ये 13 नंबर पर, 14 नंबर पर, और यहाँ पर बेटा हो गया आपका 16 नंबर पर। मतलब कि पहले कितना प्लस हुआ प्लस वन, फिर कितना प्लस हुआ प्लस टू, यहाँ पर प्लस वन हुआ, फिर आपका बेटा कितना हुआ प्लस टू हुआ, यानी कि एक बार आपने एक जोड़ना है, एक बार आपने दो जोड़ना, एक बार एक जोड़ना है, दूसरी बार दो जोड़ना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों का किस तरह से क्वेश्चन होगा देखिएगा, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा आर 18 पर आता है, एस 19 पर आता है, टी यू 21 पर आता है, टी यू आपका बेटा कितने पर आता है 21 पर आता है, मतलब कि प्लस वन और आपका बेटा प्लस दो हो गया, ठीक है। वी आपका 22 पर आता है, एक्स आपका बेटा 24 पर आता है, 22 में दो जोड़े तो 24, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में तो एक जुड़ना था, इसीलिए फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर एक गलत हो गया। आगे चलिएगा क्यू में आपका बेटा क्यू, क्यू के बाद में आर, आर के बाद में टी, रेशो में यू वी और एक्स, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा यू क्यू में एक प्लस किया तो आर, और आर में दो प्लस किया तो आपका फ्रेंड्स टी, क्योंकि आर आता है 18 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर, दो प्लस हुए। आगे चलिएगा यहाँ पर बेटा यू 21 नंबर पर, वी आपका 22 नंबर पर, और एक्स कितने पर आता है 24 नंबर पर, यानी कि फ्रेंड्स आपका प्लस वन और आपका कितना हो गया प्लस टू हो गया, कितना हो गया प्लस टू, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बेटा क्या दिया, दो दो के बाद में तीन, तीन के बाद में चार, चार के बाद में पाँच, आपका आना चाहिए 196 में, आपका बेटा तीन, तीन के बाद में एक, एक के बाद में दो, दो के बाद में पाँच, आपका होना चाहिए 121, चार चार दो दो आपका होना चाहिए 144, आपका बेटा क्वेश्चन मार्क, इसके बाद में दिया छः दो, आपको बताना है कि यहाँ पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर ऐसी मैं कौन सी संख्या लाऊं कि मेरा रिजल्ट कितना बने 225 बने, आपको इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर बेटा पहला ऑप्शन हमने उठाया, इसके अंदर क्या था दो, दो के बाद में आपको दिया तीन, तीन के बाद में था चार, चार के बाद में पाँच, यहाँ पर दो और तीन पाँच, पाँच और पाँच दस, दस और चार चौदह, आपका बेटा 14 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 196, ठीक है ना, 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196 में। आगे चलिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स आपने किया तीन, तीन में एक प्लस किया, आपका फ्रेंड्स तीन, तीन में एक प्लस किया, प्लस में दो किया, प्लस में पाँच किया, आपका बेटा यहाँ पर तीन और एक चार, चार और दो छः, छः और पाँच कितने हो गए 11, और 11 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 121 होता है, ठीक है ना। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं को प्लस करना है, और प्लस करके आपने स्क्वायर कराते हैं तो आपका रिजल्ट आ जाता है। सेम उसी प्रकार से चार और चार आपके बेटा कितने हो गए 8, 8 और 4 12, 12 का स्क्वायर किया तो आपका फ्रेंड्स कितना हो गया 144, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 हो गया। आगे चलेगा यहाँ पर बेटा 6 में 2 प्लस किया 8, 8 में 2 प्लस किया 10, अब 10 में मैं कितने प्लस करूँ कि इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो ये आता है बेटा आपका 15, है ना, 225 का जब स्क्वायर रूट करते हैं तो वो किसके बराबर आता है 15 के बराबर, क्योंकि 15 का स्क्वायर ही बेटा कितना होता है यहाँ पर फ्रेंड्स आपका 225 होता है। अब यहाँ पर टोटल कितना बन गया 6 और 2 8 और 2 10, और 10 में मैं कितने जोड़ूँ कि 15 बन जाए, 5 प्लस कर देंगे तो आपका फ्रेंड्स 15 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिगर में आपको फ्रेंड्स यहां पर क्या दिया, आपको यहां पर एक सर्कल दिया, और सर्कल के अंदर बेटा एक क्रॉस, एक मल्टीप्लिकेशन और आपका एक स्क्वायर का निशान दिया है। आपको फ्रेंड्स यहां पर बताना है कि यहां पर जो आकृति आपके सामने है,
इस आकृति के अंदर से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट मिरर इमेज बन सकता है। यहाँ पर फ्रेंड देखो, पहली बात इसके अंदर बेटा ऊपर की तरफ फिगर लगाए, मतलब कि ये जो हिस्सा आपका नीचे वाला ये तो कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर की तरफ, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ। सबसे पहली बात तो ये हो, ठीक है आपके फ्रेंड्स। ये जो नाल बनी हुई है घोड़े की जैसी नाल होती है, ये आपके ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ आएगी, तो ये नीचे की तरफ ना ए ऑप्शन में आई और ना ही आपकी डी ऑप्शन में आई, ठीक है ना, ना तो ए ऑप्शन में आई ना ही डी ऑप्शन में आई। इसके बाद में अगली बात, ये जो बेटा आपकी ट्राइंगल ये ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये जो बेस है इसका क्या बन जाएगा, टॉप बन जाएगा, और टॉप है वो बेस बन जाएगा, ये आपका ऐसे हो गया। इसके बाद में क्रॉस और इसके बाद में क्रॉस, तो यहाँ पर फ्रेंड्स बी ऑप्शन भी गलत हो गया। एक ऑप्शन बचता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट में आपको बेटा यहाँ पर क्या दिया, 90 के बाद में 18, 18 के बाद में 36, 13 इसके बाद में आपका बेटा 36, इसके बाद में 65 आपका क्वेश्चन मार्क, 15 और 75, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक 30, क्योंकि बेटा 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, आपका 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 15 75 और 15 दूनी 30, आपका 30 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन आपको बेटा क्या दिया कि पर्सन आकृति में कितनी आयत है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। पर्सन आकृति में कितनी आयत है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, तो कैसे निकाल सकते हैं ध्यान से देखिएगा। आपके फ्रेंड्स पहले यहाँ पर रेक्टेंगल कौन सी बनी, 1, 2, 3, 4 और 5, एक भार वाली आपकी बेटा होगी 6, एक भार वाली कितनी होगी, टोटल 6 होगी। इसके बाद में फ्रेंड्स आपकी एक ये वाली बनी 7, एक आपकी ये कंप्लीट इधर से बनी 8, और एक इन दोनों से मिलके बनी 9, यानी कि फ्रेंड्स आपकी टोटल जो ट्राइंगलों की संख्या वो कितनी है, 9, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी है, 9 है। तो आपका फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा गया 2014 में, आपका 10+2 बेस पे स्नातक में 2002 के अंदर पूछा गया है। आप लोगों को फ्रेंड्स आज का सेशन कैसा लगा फटाफट से कमेंट कर दीजिए। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका बेटा कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। यहाँ पर फ्रेंड्स मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा 9918 15 14 14, मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जिन भी फ्रेंड्स ने अपना नंबर व्हाट्सअप में ऐड नहीं कराए, व्हाट्सअप में ऐड करा लेंगे सुबह 4:45 पर करंट अफेयर की क्लास के लिए। आप सभी बच्चे यहाँ पर बेटा तैयार रहेंगे कितने बजे, 11 बजे रीजनिंग की क्लास के लिए, सुबह शाम को 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास, और आपके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर शाम को 7:40 पर रहेगी लूशन जी की क्लास। कोई बच्चा क्लास को मिस ना करे, वक्त पर क्लास में पहुँचे, ताकि फ्रेंड्स आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। तो आप लोग बेटा प्रतिदिन क्लास में जुड़े, अपने रीजनिंग के जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, क्योंकि बेटा आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो मैं आपके साथ खड़ी हूं, ताकि आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जा सके। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी क्लास का फायदा उठा सके। थैंक यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।